नमस्कार, मैं आशीष साहू और आप देख रहे हैं AFC टुडे न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों की विचारधारा को काफी प्रभावित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नईम सिद्दीकी जी की। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। नमस्कार सर। सर, मेरा सवाल आपसे पहले ये है, आपने 2018 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था कि हमने गांधी को मार दिया। इस मूवी को बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? ये फिल्म हमने जब प्लान किया तो महात्मा गांधी का 150वां जन्मवर्ष था और हम लोग इस महात्मा गांधी के कार्यक्रम को लखनऊ में बहुत ज़ोर शोर से हम लोगों ने मनाया था, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। मुझे लगा कि शायद हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला इस पूरे साल को UNO ने नॉन वायलेंस ईयर के तौर पर मनाने का निर्णय लिया, नॉन वायलेंस डे के तौर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उस दिन को मनाने का फैसला किया। तो मुझे लगा कि बापू गांधी जी हमारे देश के हमारे राष्ट्रपिता हैं, जब UNO इतना कुछ सोच रहा है उनके बारे में तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने गांधी जी पर बहुत सी फिल्में बनी थी लेकिन उनकी विचारधारा पर एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि गांधी के जो विचार हैं बुनियादी तौर पर इन शॉर्ट अगर उनको कहा जाए तो नफ़रत के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात की, ट्रस्टीशिप का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें बड़े लोगों का को ये जिम्मेदारी देने का प्रयास करते थे कि वो गरीबों की मदद करें, गरीबों के लिए काम करें। तो ये फिल्म हमने गांधी को मार दिया, हमने उसी परिप्रेक्ष्य में 1948 के बैकड्रॉप में ये फिल्म हमारी शुरू होती है और गांधी जी की हत्या के एक दिन पहले से इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और गांधी जी की हत्या के एक दिन के बाद तक इस फिल्म का सफ़र है। मेरे कैरेक्टर के माध्यम से हमने गांधी जी की विचारधारा और गांधी जी के विरुद्ध जो लोग सोचते हैं उन दोनों की विचारधारा को इस फिल्म में लाने का प्रयास किया। चूँकि आज देश में जिस तरह से एक नफरत का वातावरण बन गया था, जो थैंक्स टू गॉड ये कोरोना की वजह से कम हो गया है, कोरोना एक महामारी है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, जो लोग नफ़रत की बात करते थे उनको अब नफ़रत की बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंसानियत, मोहब्बत, दया लोगों पर ज़्यादा हावी हो रही है। सर, दूसरा सवाल ये है, ऐसी क्या वजह थी कि आपने इसे यूट्यूब पे अपलोड की इस फिल्म को? मैंने 2018 में इस फिल्म को पूरे भारत में रिलीज़ किया, क्योंकि ये फिल्म कॉमर्शियल फिल्म नहीं है और रिलीज़ करने के बाद हमने बहुत कोशिश की, 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये देश के विभिन्न थिएटरों में देखी जाए। उसके बाद मैं चाहता था इस फिल्म की रेंज आम हिंदुस्तानी तक पहुँचे। हमने प्रयास किया लगभग सभी चैनल से, लगभग सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि इस फिल्म को वो दिखाएं, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कहा कि ये कंटेंट शायद हम अपने चैनल पर नहीं दिखा पाएंगे। मैंने उनसे आर्ग्यू भी किया कि ये कंटेंट तो गांधी विचारधारा का कंटेंट है, बट समहाउ उन वो दे आर अनकम्फर्टेबल टू शो माई पिक्चर ऑन देयर चैनल्स और देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे तड़प थी कि अगर हमने कोई एक चीज़ बनाई है, कोई एक फिल्म बनाई है तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे हमने यूट्यूब चैनल पर डाला है और 3-4 दिन में ही 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा है और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं उस चैनल के माध्यम से। लोगों ने मेरा टेलीफोन नंबर, मेरा ईमेल पता किया
और मुझे बहुत अप्रिसिएशन के लेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि जो मेरा एक प्रयास था वो लोगों तक पहुंच रहा है, वो मोटिव कंप्लीट हुआ। अब मुझे लगता है, मुझे लगता है। सर, गांधी विचारधारा के लोगों ने जब इस पिक्चर को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। जब हमने इस पिक्चर को रिलीज़ किया तो हमने, चूँकि गांधी जी के विचारों को सार्थक बनाने का आज भी इस देश में सबसे ज़्यादा कोई प्रयास कर रहा है तो उनके ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी जी कर रहे हैं। तुषार गांधी जी ने इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देखा और फिल्म देखने के बाद काफ़ी देर तक, वो फिल्म जब ख़त्म हुई बहुत देर तक असहज रहे, बहुत दुखी मन से थे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक प्रॉपर इंटरव्यू दिया और उन्होंने, तुषार जी ने कहा कि मैंने बहुत सी फिल्में गांधी के ऊपर देखी लेकिन गांधी की विचारधारा पर ये पहली फिल्म है और अद्भुत है, इससे अच्छी तरह से गांधी के विचारों को नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद दिल्ली में हमने राजमोहन गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को ये फिल्म दिखाई। अरविंद जी का आपको बड़ा अच्छा किस्सा है, ये मनीष सिसोदिया जी ने पहले इस फिल्म को थिएटर पे हमारे साथ देखा, अपनी कुछ साथियों के साथ, कुछ एमएलएस के साथ, तो उन्होंने अरविंद जी को बताया कि भई एक हमने ऐसी ऐसी फिल्म देखी है जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे। तो अरविंद जी ने, मेरा एक कॉमन फ्रेंड है तो उसके ज़रिए मुझे बुलाया, बोले भई मुझे सीडी दे दीजिए, मैं वो फिल्म देखना चाहता हूँ। मैंने कहा अरविंद जी मैं भी आपको फिल्म दिखाना चाहता हूँ लेकिन सीडी नहीं दूंगा, अगर आप फिल्म वाकई देखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्पेयर योर टाइम, थिएटर में चल के देखिए। तो उन्होंने दो दिन का के बाद का टाइम दिया एंड थिएटर में हमारे साथ फिल्म देखी। जिस दिन उन्होंने फिल्म देखी, राजमोहन गांधी जी भी थे, उनके हेल्थ मिनिस्टर भी थे, कई सारे इम्पोर्टेंट लोग थे और सभी ने एक स्वर में कहा कि आज के माहौल में इस फिल्म की ज़रूरत है, रिजेंबल करता है 1948 की जो एक नफ़रत का माहौल था जब देश का बंटवारा हो रहा था, और आज जब कुछ लोग मतलब नफ़रत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये फिल्म बहुत कुछ कहने का प्रयास करती है कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ द हेट्रेड। तो बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ जो भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने थिएटर में पिक्चर देखी, शीला दीक्षित जी नहीं है, उन्होंने इस फिल्म को देखा, एक लीडर हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे बहुत काम करती, मोहसिना किदवई साहिबा बहुत ओल्ड हो गई हैं, उन्होंने इस फिल्म को देखा, तो जितने भी लोगों ने देश में जो गांधी के विचारों को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उन सभी ने इस फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मेरे से ये काम हो पाया। सर, इसके बाद क्या सरकार ने, मतलब पिक्चर देखने के बाद, मूवी आपकी जब देखी तो क्या इसके बाद कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया, उन्होंने, उनको ये नहीं लगा कि इस पिक्चर को बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, कोई स्टेप? कौन सी सरकार? सरकार के पास पिक्चर को लोगों तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक दूरदर्शन माध्यम है लेकिन हमको किसी ने अप्रोच नहीं किया। हाँ, मनीष सिसोदिया जी ने ज़रूर हमसे कहा था कि आपके फिल्म को मैं सभी स्कूलों में दिखाना चाहता हूँ, बट उस वक्त मुझे ऐसा लगता था किसी चैनल के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इस पिक्चर को लोगों तक पहुँचा ले जाऊँगा, बट जब नहीं हुआ तो अभी हमने उनको एक संदेश भेजा है, हमने कुछ पेन ड्राइव्स उनको उपलब्ध कराई हैं जिनके माध्यम से वो स्कूलों में इस फिल्म को दिखा सकें। ओके सर, सर आपकी कोई अपकमिंग मूवी, कॉमर्शियल मूवी? मैंने, आपने सही कहा, 2004 में एक फिल्म प्रारंभ द बिगनिंग बनाई थी जी, जो एक अलग तरह का विषय था। मैंने उस फिल्म के माध्यम से ये कहने की कोशिश की थी कि जो एक भिखारी है वो व्यक्ति भी कितनी मेहनत करता है। मेरी उस फिल्म का एक किरदार होता था जो मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठ कर भीख मांगता था, तो अब उस किरदार में मंदिर खुलने से पहले वो भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता था और मंदिर बंद होने तक वो उन सीढ़ियों पर बैठा रहता था। उस फिल्म के माध्यम से हमने क्या कहने की कोशिश की थी कि एक भिखारी, मेहनत में उसकी कमी नहीं है,
मंदिर खुलने से पहले और मंदिर बंद होने के बाद वो सीढ़ियों पे बैठता है, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता था कि कैसे लोगों को ज़्यादा उसके ऊपर दया है। तो वो तरह तरह के, कभी लंगड़ा के चलना, कभी अपने चेहरे को बनाना, कभी हाथ में कुछ पट्टी बांध लेना, यानी वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता था। प्रॉब्लम क्या है इस देश में, 33% जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वो मेहनत कर सकते हैं, उनके पास सोचने की शक्ति भी है, लेकिन उनको दिशा देने वाले लोग चाहिए हैं जो उन्हें सही डायरेक्शन दे सकें, जिस डायरेक्शन पे चल के वो मेहनत कर सकें और एक इज्जत से पैसा कमा सकें। उस फिल्म को 2004 में मेरी फिल्म ऑस्कर हिंदुस्तान से जो फिल्में भेजी जा रही थी उसमें शॉर्ट लिस्ट थी। एक हमारी फिल्म थी प्रारंभ, एक मराठी फिल्म थी श्वास, तो श्वास को ऑस्कर के लिए एट द एंड भेजा गया था, हमारी फिल्म नहीं जा पाई थी। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने फिल्म को देखा था और काफ़ी अप्रिशिएट किया था। दूसरी फिल्म हमारी ये गांधीयन विचारधारा पे है। इसके बाद मैं जो फिल्म बना रहा हूँ वो बहुत कॉमर्शियल है, उसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ। कुशान नंदी एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछली फिल्म बाबू मुशाय बंदूकबाज बनाई थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नेहा शर्मा है, संजय मिश्रा है। 2 दिन की शूटिंग भी लखनऊ में उसकी हो गई थी, बट ये कोरोना की वजह से हमने अपनी फिल्म का शेड्यूल पोस्टपोन किया है, उसके बाद ये बंदी हो गई है। हालात नॉर्मल होने के बाद उस पिक्चर पे। सर, आपकी जो मूवी थी जब हमने गांधी को मार दिया, जब ये मूवी सेंसर बोर्ड में गई तो किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? मेरी पिक्चर का पहले नाम था हे राम हमने गांधी को मार दिया, और हे राम हमने गांधी को मार दिया ये दर्शाने की कोशिश करता था कि वी आर गिल्टी, हे राम हमने गांधी को मार दिया। तो सेंसर बोर्ड में जब मैं पिक्चर ले गया तो एक अजीब सी अफरा तफरी थी कि इस डायरेक्टर ने क्या फिल्म बनाई होगी, कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जो महाराष्ट्र में जो पैनल होता है सेंसर बोर्ड का, उसमें जो वो लोग जो RSS या हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे उनको इस पिक्चर को देखने के लिए बुलाया गया। उसकी स्क्रीनिंग में मैं भी गया, सारे लोग बैठे। लकली मुझे सेंसर बोर्ड में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आई, बस उन्होंने एक हमको ऑब्जेक्शन ये किया कि मैं आपको हे राम नहीं दूंगा। मैंने कहा हे राम बापू के साथ जुड़ता है, गांधी जी के साथ जुड़ता है, और हे राम एक गिल्टी का एहसास दिलाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे सेंसर बोर्ड से नहीं मिल सकता है आपको, फिर इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल जाने का मतलब कई महीनों की ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रेक हो जाता था जी। तो हमने फिर इस अपनी पिक्चर से हे राम टाइटल को हटाया और हमने गांधी को मार दिया फिल्म रखा। कुछ और उनके एक दो ऑब्जेक्शंस थे, जैसे वो सावरकर का नाम यूज़ नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि टू नेशन थ्योरी को दो लोगों ने इस देश में इंट्रोड्यूस किया, एक सावरकर जी ने, दूसरे जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने। तो ये दोनों लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का जिम्मेदार मानता हूँ कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है। इस बात को एक ही समय पे जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से और सावरकर जी ने हिंदू महासभा की तरफ से उठाया। उसके बाद लोगों में इस बात की फीलिंग डेवलप हुई कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है। तो हमने सावरकर जी का नाम उस पिक्चर में यूज़ किया था, तो उन्होंने कहा नहीं आप सावरकर जी के नाम पर बीप कर दीजिए, वो मैंने कर दी थी। दूसरा बहुत मामूली से चेंजेस बताया, चूँकि हमारी फिल्म किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी फिल्म नफरत के खिलाफ है, और आपके मन में चाहे जो चल रहा हो, लेकिन जब कोई शख्स पॉजिटिविटी की बात करता है, कोई शख्स मोहब्बत की बात करता है और खुलेआम करता है, तो उसको नकार पाना, वो बंदा जो वाकई नफरत के लिए बना है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी किसी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, सिवाय इसके कि उन्होंने हमारी पिक्चर के टाइटल को हे राम हमने गांधी को मार दिया की जगह हमने गांधी को मार दिया कर दिया था।
थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और अपनी इन बातों तक हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। और मैं एक संदेश और देना चाहूँगा अपने इंटरव्यू में कि देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, कोरोना। आप सिर्फ सरकार की तरफ ना देखें, जो व्यक्ति जो कर सकता है लोगों के लिए वो करें, कम से कम नहीं ज़्यादा तो अपने पड़ोसी का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके पड़ोसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।